जो सोचा था वो नहीं। ऋषभ पंत ने बताया गेम प्ले में कहां हुई चूक, टीम को पटरी पर लाने के लिए करेंगे ये काम। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुलदीप यादव भी चुनौती दे पाए और 4 विकेट अपने नाम किए। जवाब में दिल्ली की शुरुआत खराब रही, लेकिन जैक फ्रेजर मगर ने 15 गेंद में अर्धशतक लगाकर टीम को पटरी पर लाने का काम किया, लेकिन उनके आउट होने के बाद ही लक्ष्य दिल्ली की पहुंच से दूर होता चला गया। दिल्ली कैपिटल्स पर 67 रन की इस शानदार जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। इस हार के बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत निराश दिखे, उन्होंने कहा कि जो सोचा था वो नहीं हुआ। हालांकि अगले मैच में होमवर्क करके आने की बात कही, साथ ही आज के मैच में जो गलतियां हुई हैं उसे सुधारने की बात कही। आईपीएल 2024 के 35वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 266 रन का स्कोर बनाया। ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ 79 रन की पारी खेली तो अभिषेक शर्मा ने 46 रन का योगदान दिया। अंत में शाहबाज ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली 199 पर सिमट गई। जैक फ्रेजर ने 65 रन तो ऋषभ पंत ने 44 रन बनाए। आईपीएल 2024 में रिकॉर्ड बुक में उथल पुथल मची हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली के खिलाफ टी20 क्रिकेट इतिहास के पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं दिल्ली के जैक फ्रेजर मैकग ने इस सीजन की सबसे तेज 50 जड़ी। जैक फ्रेजर मैकग ने पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद क्रीज पर कदम रखा। तूफानी बल्लेबाज करते हुए जैक फ्रेजर ने 15 गेंद पर अपनी 50 पूरी की। यह सीजन की सबसे तेज 50 है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेविस हेड ने इसी मैच में 16 गेंद पर 50 जड़ी थी। वहीं अभिषेक शर्मा ने मुंबई के खिलाफ 16 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था। यही नहीं, जैक फ्रेजर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने। इससे पहले क्रिस मॉरिस के नाम ये रिकॉर्ड था। क्रिस मॉरिस ने साल 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ खेलते हुए 17 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था। साल 2019 में ऋषभ पंत ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 18 गेंद पर अर्धशतक जड़ने का कमाल किया था। जैक फ्रेजर मैकगर्ग ने वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में 30 रन फूटे। वॉशिंगटन के ओवर में 3 चौके और 3 छक्के जड़कर उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ दी। इस सीजन में एक ओवर में 30 रन देने वाले वॉशिंगटन दूसरे गेंदबाज बने। जैक फ्रेजर ने 18 गेंदों पर 65 रन की पारी में 5 चौके और 7 छक्के जड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।